हाँ दोस्तों, अभी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय में 120 से अधिक बुजुर्गों ने प्रार्थना पत्र देकर अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र दे दिया है, जिन्हें विभाग ने उच्च अधिकारियों को ऑनलाइन अपडेट करा दिया है कि जिससे जल्द ही दोनों बुजुर्गों की पेंशन शुरू हो जाएगी। वहीं जिन बुजुर्गों की पेंशन किसी कारण रुक गई है, वह विभाग पर आकर पत्र देकर अपनी पेंशन शुरू करवा सकता है। आपको बता दिया जाए कि ऐसे में नियमों की जानकारी को अभाव में रखते हुए उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र को लागू करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस छोटे डेटा के माध्यम से ऐसे सभी पात्र लाभार्थियों की पहचान की गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा कि हरियाणा सरकार उन्हें दे लाभों का वितरण भी सुनिश्चित करे। आपको बता दिया जाए कि जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय में 120 बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है। जिस जिले के आवेदन दस्तावेज बुजुर्गों के पास होगा, पेंशन योजना का लाभ लिया जा रहा है, जिसमें वृद्धावस्था, समान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को पेंशन दे दिया, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को भी वित्तीय सहायता, लाडली सामाजिक सुरक्षा, भावना भत्ता, किन्नर भत्ता, इतने भत्ता दिए जाएंगे। आपको बता दिया जाए कि हरियाणा में लगातार स्पष्ट स्टैंड के जिस प्रकार से जिन लोगों के पुरानी पेंशन चल रही थी उनके नाम फिर से जुड़ जाए और जल्द से जल्द उनकी पेंशन बहाल की जाए। भाजपा जेजेपी ने आने पर 5,000 पेंशन करने का वादा किया था, उस पर भी पूरी तरीके से गौर किया जाए। अंत में सुरवीर मलिक ने कहा है